बुधवार के दिन बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि वो चौसा के मेला मंडी की वीडियो को देखें। चौसा का मेला मंडी लगा हुआ है बिहार राज्य का एकमात्र देसी गाय की मंडी, जहाँ पे बहुत सारी देसी गाय बिक्री होने के लिए आती है। आप लोग के सामने देखिए एक बहुत ऊंचे कदकाठी की एक देसी गौ बिक्री होने के लिए इस मेला मंडी में आई हुई है। जिनकी गाय है 19 है, इस गाय के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। काफी ऊंची गाय है, कौन से ब्यात में है भैया? तीसरा ब्यात है ये, तीसरी ब्यात में। थोड़ा आगे ले चलिए। काफी ऊंची और काफी लंबी, ये क्रॉस ब्रीड है। बच्चा क्या है? बछड़ा। बच्चा इसके पास बछड़ा है। इसका दूध बताइए भैया। 14 लीटर दूध, 14 लीटर भैया बता रहे हैं, 7 लीटर टाइम का दूध। काफी बड़ी साइज की गाय है, लंबी भी है ऊंची भी है। का इसका दाम रखे हैं भैया? दाम 1.65 है। 1.65। अब बहुत से लोग जब ये कीमत सुनेंगे तो उन्हें जरूर थोड़ी सी हैरानी होगी, है ना? कहा इतना दाम है भैया, कुछ कारण बताइए। देसी नस्ल की गाय है, बहुत अच्छी गाय है। देसी नस्ल की गाय है, बहुत अच्छी गाय है। कहाँ तक होगी ये? 1.45 यानी 1 से ऊपर ही, इससे नीचे नहीं। दाम भी लग रहा है, दाम भी लग रहा है। इस तरह के जो कीमत आप लोग सुन रहे हैं, इस कीमत से आप लोग को सबक भी लेना चाहिए। आने वाले समय में देसी गऊ का कीमत लाखों में ही होगा, इससे कम नहीं। वैसे इस मेला मंडी में ये गाय बहुत बिकेगी, तो लाख के अंदर अंदर बिकेगी, जितने में बिक जाए, 70-80 के आसपास। बच्चा बछड़ा है ना भैया, तीसरे ब्यात में है, और दूध इसका 14 लीटर बताया गया है, 7 लीटर का। अच्छी गाय है, जो गौ प्रेमी व्यक्ति होंगे उनके लिए ये गाय सबसे सही। घर दरवाजे पे अगर इस तरह की गाय को बांधा जाए तो काफी अच्छा रहेगा, एक शोभा का प्रतीक। दाम 1.25 का लग रहा है। 1.25 लग रहा है। कहाँ तक इसको आप देंगे? 35-40 आने वाले समय में देसी गऊ का कीमत बढ़ेगा ही, है ना? इस तरह की कीमत से आप लोग सबक लें, अपने घर पे भी अच्छी से अच्छी देसी गाय का पालन करें, ताकि धनोपार्जन का भी एक स्रोत बना रहे। चौसा के मेला मंडी में एक ये गाय बिक्री होने के लिए आई है, जिसे ये भाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी गाय है। थोड़ा आगे ले चलिए इधर।
बच्चा क्या है? बच्ची। बच्चिया है, फीमेल है, बच्चिया। कितने दिन के हो गए बच्चिया? कितने दांत में है भैया? दांत 85। दांत बोले? दांत 6। 85,000 मांग रहे हैं। और दूध कितना होगा इसका? 18 लीटर दूध बता रहे हैं। 85 मांग रहे हैं। 45 के आसपास होगी। अरे भैया इस 45-50 दाम लग रहा है। इधर इधर ले चलिए, थोड़ा आगे बढ़िए। दाम लगा दिए कि अभी आज तो अभी व्यापारी कोई नहीं लगाया दाम, बेचने वाला यहाँ का बेचने वाला। तो ओरिजिनल दाम बताइए कहाँ है इधर? तो ऐसे दाम लगाएंगे तो कहाँ पाएंगे? गाय मिलाइए ना, इस गाय पूरे मंडी में बच्चा कुछ होकर नहीं जाएगी। अच्छी गाय है। दूध 18 किलो भैया? 18 किलो बता रहे हैं, लेकिन हम इसको 12-13 किलो के आधार पर। 13 किलो भैया ऐसे तो बनरी दे दे रहे हैं। मामली करे जा की गाय है, देखिए गाय की मिले। एक दाम बतावा, ठोस दाम बतावा। आप बता दीजिए भैया, ओरिजिनल दाम बताइए, उल्टा पुल्टा दाम ना बताइए। ओरिजिनल बोल दिए ना कि हमें ना बोला, ओरिजिनल दाम आप बोल दिए कि हम दोबारा ना बोला। 45 पे होई? 45-50-55 की नहीं होगी। तो एकदम बता दीजिए बढ़िया से, एकदम दाम बताइए नजदीक वाला। एक कल्लू गया और भैंस इतनी सीधी नहीं होगी जितनी सुबह की है। थोड़ा हाथ लगाइए तो। एक दाम बताइए, बोल दीजिए। हम बताए नहीं आपको, आप बताइए। 80,000 ऊंचा बता रहे हैं। ऊंचा नहीं भैया, गाय मिलाइए ना। अब इतनी हमारी इतनी ऊंची गाय है, अब बताने बड़की गाय है, ये सब वो 12-15 किलो वाली नहीं है गाय। 18 अगले सोच लीजिए कि अगली बार भी आएगी तो गाय 24-25 किलो दूध निकालेगी। 45 पे हो जाएगी? 45 पे नहीं होगी। नहीं भैया, ठोस दाम बोल दीजिए। 75,000 के देख। 75 सब दाम भैया जाए। अरे एकदम सबके जाए ऐसे भाई से एकदम ही नहीं कि आपके कहीं तो ना। जिनकी गाय है वो इस गाय का दाम पूरे अब 75,000 रुपए बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ऊंचा दाम है अभी। देख लीजिए नार लगा है। हाँ हाँ वो हम देख लिए। पूरी मंडी में ऐसी गाय नहीं मिलेंगी जो 21 गाय है। पूरी मंडी खोज लीजिए तो फिर इसको मिलाइए। देख ला भैया, उमा झूठ ना बोला ना, देख ला। अच्छे दांत है। हां देख ला। हां बाकी भी है। छोड़ दो। छह दांत है भैया, उमन हम तो से कबो ना गलत ना हो। चौसा का मेला मंडी में एक ये गाय बिक्री होने के लिए आई है। मैनी में है दोनों सिंह, इसका दोनों सिंह हिल रहा है, दोनों सिंह हिल रहा है, दोनों हिल रहा है ना। थोड़ा घुमाइए तो जी। किसी भाई का कम बजट है, पैसा नहीं है उतना, उनके लिए ये गाय कम पैसा में ये गाय मिल जाएगी। अब उतना भी कम नहीं, दूध इसका 5 किलो 5.5 किलो तैयार है एक टाइम। दूध 5-5.5 किलो बता रहे हैं एक टाइम। नई गाय है। कौन से ब्याह में होगी ये? ब्याह में, ब्याह में दूसरा है, दूसरी ब्याह में बताई जा रही है। दांत में 6 दांत बताई जा रही है। और बच्चा क्या है जी इसका? बछड़ा है। का दाम रखे हैं इसका? दाम तो हम 45,000 रखे हैं। तो मांगने से मेला में सभी लोग मांगते हैं, लेकिन एक देने 32 का बिकेगी तो बेच देंगे, ना तो घर पर जाकर दुहाएगी। अच्छा।
जिनकी गाय है वो बोल रहे हैं कि 45,000 रुपये मांग रहे हैं, 30-32,000 रुपये मिलेगा तो बेचेंगे। 5 किलो टाइम का दूध बता रहे हैं, सुबह में 5 किलो, शाम में 4-4.5 किलो। 7-8 लीटर दूध के लिए ये गाय उचित है, सीधी और शांत स्वभाव की गाय है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैनी में है, बहुत से लोग इस तरह की गायों को खोजते हैं लेकिन जल्दी मिलती नहीं है। मैन टाइप गाय है ना, दोनों सिंग इसका हिल रहा था, बच्चा बछड़ा। हमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति समय अनुसार यहाँ पे पहुँच के इस गाय के लिए बात करे तो ये गाय 30 के अंदर अंदर भी हो जाएगी, 30,000 के अंदर अंदर, 25 और 28 के आसपास। चौसा के मेला मंडी में एक ये गाभिन गाय बिक्री होने के लिए आई है। ये चाचा की गाय है, ले चलिए चाचा थोड़ा आगे बढ़ाइए, ले आइए। चार डाल में कोई भी कमी नहीं है, ये गाय बहुत ही आसानी से पांव रख रही है, सीधी साधी चाल से चल। अभी कितना समय ले जाएगी ये बच्चा देने में? कम से कम अभी 10-15 दिन अभी समय बता रहे हैं, 10 दिन के आसपास। कितना दांत है, दांत देखे थे इसका? दांत तो ना देखे। दांतों से मालूम होगा कि ये कौन से बयान में है ना। दांत देखिए तो कितना है जी? 6 दांत। का दाम मांग रहे हैं चाचा? कम होगा तो मांगे के तो मांगे तो नहीं, 38,000। 38,000 अब कहाँ तक हुई ये उम्मीद बाकी 30 का आस पास। काम 38,000। अच्छी गाय है, चाचा का कहना है कि अगर कोई 30,000 रुपये के आसपास देंगे तो उन्हें ये गाय हम देंगे। वैसे 30,000 रुपये सोच रहे हैं कि 30,000 रुपये अगर मिले तो हम दे देंगे। जब ये ब्याह जाएगी तो 4 किलो टाइम का दूध इससे जरूर मिलेगा। एक बात बताइए चाचा, उसके थन से दूध टपक रहा है। बैठ गए लिया, गैया का बटवा दबा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया गाय है, ये पूरी की पूरी सफेद गाय है, ठंड में अपना कलर ये थोड़ा बदल रही है। ग्राहक कितना लगा रहे हैं सही बोलिए तो? ग्राहक तो कच्चा रेट लगा रहे हैं, कच्चा रेट लगा होता है। कितना लगा रहे हैं सही बोलिए तो? 22-23-24। 22-23-24 सीधी और शांत स्वभाव की गाय है। पढ़ाइए काफी अच्छी गाय है। अंदर बा
बाबू लेके आओ, आओ इधर। बच्चा क्या है इसके पास? बच्चा चौसा के मेला मंडी में ये गाय बिक्री होने के लिए आई है। बच्चा इसके पास बछड़ा बताया जा रहा है। कितने दिन का हो गया? दो दिन का है। कितना दूध होगा बाबू इसका? 10 केजी मेरा। 10 केजी टाइम का बता रहे हैं। और क्या दाम इसका रखा गया है? 1.35। 1,35,000 रुपये इस गाय का दाम यहाँ पे बताया जा रहा है। आपके देखने से कितने तक की होनी चाहिए बाबू? वही 80-80। 80-80 के आसपास दूध इसका तेरा 14 लीटर हो जाएगा, इससे कम नहीं। अच्छी गाय है। दिन वाला दाम बताइए जरा। 1.20 नहीं, ऊंचा बता रहे हो ना। 80 तो मिलते हैं। 80 मिल रहा है। एक छोटे उम्र के लड़के हैं, करीब 15 की उम्र हो रही होगी ना बाबू, वो खुद बोल रहे हैं कि 1.20 जब हम इसका नज़दीकी दाम पूछ रहे हैं तब, और बोल रहे हैं कि 80 मिल रहा है। कहाँ तक बिक्री रेट होगा? 1.10 1.10 बता रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि कोई व्यक्ति इस गाय का दाम 1 के करीब देगा। बहुत बिकेगी तो 80-80 के इर्द गिर्द बिक सकती है, 75, 70, 80। देसी गाय है, और देसी गाय के पास देखिए ये बच्चा जर्सी दिखाई दे रहा है। जो AI करने वाला जो भी टेक्नीशियन होगा कहीं ना कहीं गलत किया है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। देसी गोवंश है तो देसी का ही सीमन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो इस मेला मंडी से थारपारकर नस्ल की गाय को खरीदे। कभी कभार अच्छी थारपारकर नस्ल की गाय आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरी ब्रिड में नहीं है, लेकिन थार के बहुत इसमें अंश देखने को मिल रहा है। गाभिन बताई जा रही है। जिनकी गाय है उनका कहना है कि ये गाय अभी गाभिन है, लेकिन इसका पेट काफी धंसा हुआ है। सीधा सीधा उधर ले चलिए, खाली में ले चलिए भैया। गाभिन है इधर इधर, खाली में ले चलिए, खाली जगह में ले चलिए, खाली में ले चलिए। खाई पी नहीं है क्या? का दाम मांग रहे हैं भैया? मांग रहे हैं 55,000 भैया। 55,000 इधर ले आइए, इधर ले आइए, इधर। पचपन हजार मांग रहे हैं। पहले पता करना पड़ेगा कि अच्छी से गाभिन वाभिन है कि बस हिसाब से लग ही नहीं रही है। भैया गाभिन ही है ना, इसका लाइसेंस दे रहे हैं? दीजिए लाइसेंस, गार लीजिए। पुष्टि के लिए इसका दूध निकाला जा रहा है फेंसा, ताकि मालूम चले कि ये गाय गाभिन है, या फिर ऐसा तो नहीं ना कि कहीं इसका बच्चा मर गया हो। इसका स्ट्रक्चर कुछ अजीब है, इसी वजह से हमें ज़रूरी है कि इसका दूध को निकाल के देखा जाए। अगर फेनस निकलेगा तो समझा जाएगा कि ये गाय गाभिन है। गाय का मालिक पहले ये बताइए कि आपको ये लग रहा है कि ये गाय गाभिन है? काफ़ी आप भी गाय खरीदी बिक्री करते हैं। वैसे
लिए गैया कितना धोसा लिया समझ में ना होता अगर फेनुस निकला जाए तो हो सकता है रात में बच्चा दिए तो फेनसन निकलेगा और बच्चा मर गया हो हाँ अब शायद ए क्या कहता है कितना भी छोटा बच्चा रहता था वो जब लगाया चाहे भैंस लगता है ए और भैया गाय गाभिन है या फिर क्या गाभिन है गारंटी से बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं सही सही बात है खाली ना चौसा के मेला मंडी में कभी कभार कांकरेज नस्ल की गाय भी आती है। राती को उधर खैले ना एकदम भसल दिया करना बच्चा का बाछा थोड़ा निकालिए तो इस मेला मंडी से हम शुद्ध साहिवाल खोज रहे हैं लेकिन न मिलने के अभाव में हम इस तरह के ही गाय को दिखा पा रहे हैं। अब मंडी में जो मौजूदा गाय है उसी को हम दिखा पाएंगे ना। अब ये तो नहीं कि हम ड्राइंग बना देंगे और उसी गाय को दिखा देंगे कि ये गाय है साहिवाल है जिनकी गाय है वो खुद कह रहे हैं कि ये साहिवाल है। कौन से ब्यात में है ये? तीसरा ब्यात है। क्या दाम रखे हैं? दाम इसका 55,000 रखे हैं। 55,000 दूध कितना होगा इससे? इसके नीचे 12 लीटर है, 6 लीटर टाइम का, 5 दिन की ब्याई है, 6 दिन की बाद 5 दिन का बच्चा ब्याई है, दूध 12 लीटर बता रहे। एक टाइम का कि दो टाइम का? एक टाइम का 6 लीटर 8 लीटर 9 लीटर दूध इससे भी होगा, इससे ज़्यादा नहीं। खिलाई पिलाई भी निर्भर रखता है। हाथ लगाइए। जब भी गाय की खरीदी करें तो अच्छे तरीके से उसके थनों पे हाथ लगाएं। चिहुक गई ना? चिहुक गई है। हाँ, चिहुक गई। गाय आपकी पैर मार रही है? पैर और कुछ नहीं चला रही, पीछे से झटके से हाथ लगा दिए। अपना जो देख लेना वो ऐसी बात नहीं का घरे तो उन्हें के लिए देना है का है? हाँ एकदम सही है, बेफिक्र। कहाँ तक होगी ये गैया? कहाँ तक ले पाओगे? हम तो कहेंगे 30,000 में दीजिए। 30,000 में आए तो भैया ले जाइए। और बताइए कौन सा दाम बताइए आप? एक ही बात 50। 50 ज़्यादा मांग तो भैया तो वहीं को अदा कितना के लेबा तब? 32 ले लीजिए ना बाप। बच्चा बछड़ा है? बछड़ा है भैया, बछड़ा। भैया हम खरीदे पिया लेना है दस साल एकदम ठीक है ना। नाटे कद की गाय है? नूरू ही है का? नहीं नहीं ये नस्ल बहुत अलग है, ये नस्ल में नहीं है। थोड़ा जाइए नज़दीक इसके पास तो इसकी लंबाई को देखा जाए। लंबाई और हाइट काफ़ी छोटी गाय है। कभी कभार चौसा के मेला मंडी में नाटक कद की गाय दिखाई देती है। एक और कांकरेज गाय आई हुई है, दुर्भाग्य से ये 3 थन में है, 3 बाट में है। कभी कभार इस मेला मंडी में अच्छी कांकरेज गाय
देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो कांकरेज नस्ल पे काम करें, उनके लिए चौंसा का मेला मंडी सबसे सही। नमस्कार, देसी गौ के बारे में दो शब्द बताइए। वीडियो चालू है, कुछ अलग बताइएगा। बोला बाबा, बोला। सोच रहे हैं बाबा, सोचने दीजिए। तड़का लगाओ। देसी गाय तो बहुत जरूरी है पालना जी। इसे हिंदुस्तान में देसी गाय माता के रूप में पाए कही जाती है। इसका पूजा भी होता है और इसका घी दूध पौष्टिक के रूप में मिलता है जी। सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार के रूप में बच्चों के लिए देसी गाय का दूध ही चाहिए। माँ के दूध और देसी गाय के दूध बराबर मिलते हैं, इसलिए देसी गाय पालना बहुत जरूरी है जी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी देसी गौ का पालन करना अनिवार्य है। घुमाइए, चौसा का मेला मंडी में कुछ समय से देसी गाय थोड़ी कम आ रही है। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं धान की जो फसल है, कहीं ना कहीं उसमें किसान लोग उलझे हुए हैं। इसका बच्चा क्या है जी? इसका बच्चा बछिया है। कितने दिन के है बछिया? अभी तो 3 रोज हुआ बच्चा। 3 रोज का बच्चा बछिया है। कितने दांत में है? दांत में 6 दांत है। पहला बच्चा दिया है। पहला बच्चा। दूध इस गाय का कितना होगा? जब दूध दो टाइम में 14 kg एकदम आराम से आए। का दाम रखे हैं इसका? दाम तो देखिए, मांगने का कुछ 75-70 बोलता है भाई, फिक्स दाम इसका 65 है। थोड़ा आगे ले चलिए। 65,000 रुपए में इस गाय को यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो ये दाम बताया जा रहा है वे फिक्स है, कम होगा जब आप यहाँ पे गाय लेने के लिए आएंगे तब। इस तरह से वीडियो में थोड़ा चढ़ा बढ़ा के ही लोग बताते हैं। क्रॉस ब्रीड है, गिर के भी कुछ इसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण रूप से गिर में नहीं है, लेकिन गिर के जो शौकिया लोग होंगे वो शौक पूरा कर सकते हैं आसानी से। गाय उनके दरवाजे पे रह जाएगी। बच्चा बछिया है। खरीदवाए हैं क्या? कितना में? 56 में। बच्चा क्या है? बच्चा बछिया है। इसकी खरीदी आप किसी खरीदार व्यक्ति को कराए हैं पूरे 56,000 में? पहले कितना मांगा जा रहा था इसका? 75,000। 75। कितना दूध होगा इसका? 14 kg। मन करे तो बाटी लेवे के बाजानी है। बच्चा बछिया है। बच्चा बाछी गाय के जवाब ना
नाम है विकास, विकास है ये, चौसा के मेला मंडी में गाय बिक्री करते नजर आ जाते हैं। चाल डाल में कोई भी कमी नहीं है। कौन सी ब्यात में है ये? दूसरी ब्यात में बछिया ब्याई है, दो दे इस समय 9 लीटर एकदम टाइम पर तैयार है। 9 लीटर? हाँ 9 लीटर एकदम तैयार है। दाम 75,000 कहाँ तक होगी? अब उसी में कम बेसी कर दे दिया जाएगा। दाम 75,000